डिजिटल लाइब्रेरी का उपमेयर व रालोचित के महासचिव ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सहरसा जिले में पहली बार इस्लामिया चौक स्थित उषा भवन में रविवार को डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के महासचिव जीशु सिंह एवं उपमेयर उमर हयात उर्फ गुड्डू हयात तथा ज्योतिषाचार्य तरुण झा के द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ताओं ने कहा कि जिले में पहली बार डिजिटल लाइब्रेरी के खुलने से छात्र छात्राओं को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी के खुलने से अच्छे ढंग से विद्यार्थी पढ़ सकेंगे, जिससे छात्रों का विकास होगा, वही अच्छे नंबरों से रिजल्ट में पास करेंगे। प्रोप्राइटर शानू सिंह ने कहा कि इस डिजिटल लाइब्रेरी में 40 छात्र छात्राओं को एक शिफ्ट में पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए मात्र 300 रुपया मासिक शुल्क रखा गया है, वही 4 घंटे का एक शिफ्ट होगा। साथ ही डबल शिफ्ट में नामांकन करने वाले छात्रों को विशेष सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सहरसा जैसे छोटे शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी के खुलने से छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को भी काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि वर्ग 8 से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को प्रातः 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक इस लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर बीके कश्यप, वीडी चौधरी, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, नीलिदु झा सहित अन्य मौजूद थे। डिजिटल लाइब्रेरी का भी आपने फीता काट कर उद्घाटन किया है, किस तरह की आपको सुविधा दी जाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सहरसा के लिए काफी गौरव की बात है, जो हमारे सहरसा में भी अब डिजिटल लाइब्रेरी जैसे जो बड़े बड़े शहरों में चलता है उसका शुरुआत आज हम और हमारे सहरसा के उपमेयर गुड्डू हयात जी संयुक्त रूप से उद्घाटन किए हैं। और ये हमारे सहरसा के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पहल है और हम इन लाइब्रेरी के जो संचालक हैं उनको हम दोनों आदमी जो है उनको शुभकामना देते हैं और बच्चों से भी आग्रह करेंगे जो आप जो इधर उधर भटकते हैं उससे अच्छा है आप थोड़ा सा बहुत कम फीस है इसका 300 रुपया रखा गया है, 300 रुपया दे करके और आप यहाँ से शांति से 4 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है जो भी पढ़ने वाले छात्र होंगे वो जरूर यहाँ पे आके पढ़ाई करेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और यहाँ क्या सुविधा दी गई? यहाँ पर सुविधा दी गई है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छा एसी, अच्छा डेस्क, फर्नीचर, मतलब शांत माहौल शहर के लिए दिया गया है और बच्चे के लिए दिया गया है। यहाँ पर फीस भी बहुत कम रखा गया है, एक शिफ्ट का 4 घंटे का शिफ्ट है जिसका 300 रुपया फी रखा गया है। और यही बच्चे अगर मेरे पास डबल शिफ्ट में एडमिशन लेंगे तो हम 550 में एडमिशन लेंगे डबल शिफ्ट का एक मंथ। क्या मैसेज देना चाहिए स्टूडेंट को? मैसेज देना चाहेंगे मेरे पास आवे, यहाँ पे सारा व्यवस्था देख ले, एक बार देख के उनको इच्छा होगा तब मेरे पास इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन ले, व्यवस्था को एक बार देख के हमको भी देने का मौका दे। लोकेशन क्या है? लोकेशन है ये इस्लामिया चौक उषा भवन 3rd फ्लोर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शानू सिंह, डिजिटल लाइब्रेरी का प्रोप्राइटर है। डिजिटल लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया गया है क्या कहेंगे? डिजिटल लाइब्रेरी का आज माँ तारा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारे छोटे भाई शानू के द्वारा हुआ है। हम बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत खुशी हैं इस चीज़ से जो ये लाइब्रेरी दिन दोगुना रात चौगुना करे। और सबसे हम लोग जो संयुक्त रूप से हम मेयर उपमेयर गुड्डू भैया और शिवेंद्र सिंह जीशु भैया और केवल सर के प्रधान संपादक नीलेंदु झा जी और कई गणिमान्य के व्यक्तियों के बीच हम लोग आज उद्घाटन किए हैं। हम लोग माँ तारा से यही प्रार्थना करना चाहते हैं जो जिस तरह माँ तारा डिजिटल लाइब्रेरी इस संस्था का नाम रखा गया है ये दिन दोगुना रात चौगुना करे, ये काफ़ी उन्नति करे। हमारे तरफ से बहुत बहुत